और क्लास दरमियान में इंटरप्ट हो गई थी, बट नाउ इट इज बैक और जैसे पहले चल रही थी उसी तरह क्लास अवेलेबल है। आप जहां से छोड़ी थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्त स्टूडेंट्स मेरे साथ वो आ चुके हैं पहले की तरह, और मैं फिर लिख लेता हूं वो क्या कहते हैं वर्ड को खोल लेता हूं। मैं माजरा चाहता हूं आप लोगों को दुश्वारी हुई है कि हमने पावर सगीर बंद कर दे, कंप्यूटर बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो। अच्छा, तो हमने अब दोबारा जो है वो हमने लाइव कर लिया है। जो लोग देख रहे थे आप कंटिन्यू वहीं से कर लें जहां से छोड़ा था। तो मैं चलता हूं डेस्कटॉप पर और मैं शेयर कर लेता हूं सबके साथ वो स्क्रीन, और मेरे साथ स्टूडेंट्स आ चुके हैं और हम जहां से बात छोड़ी थी वहीं से करते हैं। हम बात कर रहे थे अल्फाबेट्स की, अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे। तो जी हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे, क्या बात की थी अल्फाबेट्स, ठीक है, सॉरी अल्फाबेट्स, ठीक है। अंग्रेजी के अल्फाबेट्स कितने हैं, 21 हैं, 26 हैं बताया हमने। उनमें से बताया कि 5 vowels हैं, 5 vowels हैं, ये तो पता है ना सबको 5 vowels का, ठीक है। 5 vowels कौन से हैं, वो हैं ए ई आई औ यो, ठीक है। मैंने इनका कलर कर लिया था ग्रीन, ठीक है, और मैंने आगे मैं कर लेता हूं कलर ब्लू, और बाकी जो 21 हैं उनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। मेरे पीछे एक दो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करें, वाउल्स बोलेंगे, वावल नहीं बोलेंगे, वाउल बोलेंगे। एक दो स्टूडेंट्स माइक अपने खोल लें ताकि ये तय हो कि आपको बात मेरी सही पहुंच रही है। जो पहले 5 हैं उन्हें जो ए ई आई ओ यू है उन्हें हम वाउल्स कहते हैं, वावल नहीं कहेंगे। मेरी आवाज सबको आ रही है, ठीक है, मेक श्योर करें कि मेरी आवाज सबको पहुंच रही है। आप लोग बोलेंगे तो मुझे अंदाजा होगा, कोई कोई माइक खोलेगा, मेरे ख्याल माइक मैंने खुद से बंद किए थे। लेट मी आस्क स्टूडेंट्स, मैंने अलाउ कर दिया है आप लोग माइक खोल सकते हैं। एक दो लोग माइक अपने खुले रखें, बाकी लोग ना खोलें ताकि शोर ना जाए। स्टूडेंट्स को शोर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको शोर आ जाएगा तो मुश्किल होगी। तो पहले 5 है इन्हें वाउल्स बोलते हैं, वाउल्स, वावल नहीं बोलना, वाउल बोलना है, वाउल्स। मेरे मुंह की शक्ल देखें, मेरे मुंह की शक्ल से आप देख के कर सकते हैं, वाउल्स, वाउल्स, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स है, इनको हमने बोलना है कॉन्सनेंट्स, खांसी वाला खांस नहीं होता, कॉन्सनेंट्स, दो इसे कर लें, कॉन्सनेंट्स, कॉन्सनेंट्स। अगर आप लोकल जैसे पहले आप अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो इसको आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आप क्या बोलेंगे, कॉन्सनेंट्स क्यों है और वो वाउल क्यों है, ये आगे चल के आपको इन्हीं, मैं जो आपको अल्फाबेट्स की आवाजें बता रहा हूँ उनकी बुनियाद पर सबके माइक, सर काइंडली सबके माइक अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें, सबके शोर बहुत आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, सब लोग ये समझे मेरी बात को, समझे। किसी ने भी माइक सिर्फ तब खोलना है जब जरूरत है आपको बात करनी, उससे पहले माइक ना खोलें। जब आपको बात करनी है तब माइक खोलें, वरना माइक बंद रखें। अगर दो चार लोग ताहिरा बंद, सर काइंडली सभी के माइक ना अनम्यूट कर दें, मेरी तरफ से अनम्यूटेड है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग क्या करें कि सिर्फ माइक वो खोले जिसमें बात करनी है और जितनी देर बात करनी, उसके अलावा माइक बंद रखें, क्योंकि नॉइज आएगा आप तक। अगर आप माइक बंद रखेंगे तो आप तक हमारी बात बिल्कुल क्लियर पहुंचेगी, लेकिन अगर 2 से 3 लोगों का माइक खुला रहा और उनकी नॉइज आएगी तो फिर किसी को कोई बात समझ नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब वाउल्स क्यों बोलते हैं और कॉन्सनेंट्स क्यों बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, सब कुछ मैं आपको
आगे बताने लगूं, सही है। आज हम बात करें, आज सिर्फ बात करेंगे वाउल्स की, ठीक है। वाउल्स के लिए हो जाएंगे तो फिर आगे कंसोनेंट्स की बात अगले किसी सेशन में। आज हम बात करेंगे वाउल्स, कौन से पांच वाउल बताए थे, ए, ई, आई, ओ, जिसको आओ बोलते हैं हम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यव, सही है। मैं थोड़ा सा इनको अगर छोटा कर दूं क्योंकि इतने बड़े साइज में समा नहीं रहा, ऐसे कर देता हूँ, या इनका मैं फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप ऐसे मोटा मोटा लगे, सही है। इनके कलर हमने किए थे ग्रीन, वाउल्स को हम ग्रीन से डिनोट करें। इनकी प्राइमरी आवाज मैंने आपको कल बताई थी, अल्फाबेट साउंड्स बताई थी आपने, दो दिन अल्फाबेट साउंड सीखी ना, मुझे बताएं इसके पहले की आवाज क्या है, कौन बताएगा, पहले पहले लेटर की आवाज क्या है अल्फाबेट की, कोई एक बताए मुझे, एबीसी सुनाते हुए पहली आवाज कौन सी होगी, कोई एक मुझे सुनाए, कौन करेगा, अल्फाबेट्स की कौन सी आवाज बनेगी, किसी को याद नहीं है, या माइक खुले नहीं है, मेरी तरफ से खुले हैं, अल्फाबेट्स ऐ ऐ ऐ बोले, ये जो आप ऐ बोलते हैं ना, ठीक है, मैं आगे इसको लिख देता हूँ, इसको ऐ और आगे छोटी ये कर देता हूँ ऐ, ठीक है, ये इसकी है प्राइमरी साउंड, ये इसकी है प्राइमरी साउंड। जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे तो आप इस साउंड के साथ सुनाएंगे ऐ, लेकिन इसकी सेकेंडरी साउंड भी है, वो जो आप पहले बोलते हैं ए, ठीक है, वो भी इसकी प्राइमरी साउंड, वो इसकी साउंड है, और जो आप बोलते हैं वो भी इसकी साउंड है, और ओ बोलते हैं, ये इसकी साउंड्स हैं, ठीक है। किसको समझ आई, किसको समझ नहीं आई मुझसे पूछे, ठीक है, किसको ये बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे, ठीक है। ये जो पहले लिखी है ये इनकी वो साउंड्स हैं जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे। भाई अजमल भाई, अमजद भाई, माइक बंद रखिए, मैं एक बार बार रिक्वेस्ट आपको करूँ, अगर आपको फ्री क्लास मिल रही है तो उसके कुछ मैनर्स हैं यार, मेक श्योर करें कि आप माइक बंद रखें, सिर्फ वो माइक खोले जिसने मेरे साथ बात करनी है, पूछनी है बात या कहनी है, बाकी सूरतों में सब माइक बंद रखें। जिन्होंने माइक हाथ खड़े किए हुए हैं वो माइक खोल के अपनी बात कर सकते हैं, फिर बंद कर लें, ठीक है। तो अभी मैंने जिन्होंने बात करनी है माइक खोल के बात कर ले, लेकिन मैं जारी रखता हूँ, अगर आप बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुन लूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए की प्राइमरी साउंड है ऐ, ऐ ये उसकी वो साउंड है जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे तो आप इस आवाज के साथ सुनाएंगे ऐ ऐ, लेकिन इसकी जो बाकी साउंड्स हैं, ए जो आप बोलते हैं वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये वो साउंड्स हैं जो ए, ए जो वाउल्स हैं ये दो काम करते हैं, इनकी अपनी आवाज भी होती है, यानी आई ई आई औ यौ एज ए लेटर एज ए हरफ, इनकी अपनी आवाज भी है, और दूसरा ये काम करते हैं जेर जबर पेश का, जेर जबर पेश का, दो जबर दो पेश दो जेर, ठीक है, जैसे उर्दू पंजाबी में होता है। तो ये जो सेकेंडरी साउंड्स हैं आप यही समझ लें कि ये इनकी जेर जबर पेश वाली साउंड, एवरीबडी क्लियर ऑन दैट, बात समझ आ गई। जो जो मैंने उस तरफ लिखा है प्राइमरी में, वो इनकी वो साउंड है जो इन जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे तो इस तरीके से सुनाएंगे ऐ ई आई औ यू, लेकिन जो आगे मैंने लिखी है वो इनकी मैंने लिखी है सेकेंडरी साउंड्स, इनको हम कहेंगे ये सेकेंडरी साउंड है। इनका मैं कलर थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दूं या कोई ऐसा, ताकि आपको पता चले कि आप फर्क है। अब ई की प्राइमरी साउंड कौन सी है, वो आपने सीखी, वो कौन सी है, ई अलिफ छोटी ये, सही है, और इसकी जो सेकेंडरी साउंड्स हैं वो कौन सी हैं, वो है ए और आ, ठीक है, वो दो साउंड्स हैं ए और आ, ठीक हो गया। आए की प्राइमरी साउंड कौन सी है, अभी आपने सीखी, कल सीखी थी, आई, आए इसकी प्राइमरी साउंड है, सही है, ये ते क्यों कर रहा है, मैं ये करूं और हाँ, ये इसकी आए इसकी प्राइमरी साउंड है। तो सेकेंडरी साउंड्स कौन सी हैं, वो जो आप पहले बोलते थे आई,
सही है? थोड़ा सा मुझे, जो पहले आप बोलते थे आई, वो ठीक आवाज है लेकिन उसकी असल आवाज नहीं है, प्राइमरी आवाज नहीं है, वो सेकेंडरी आवाज है, यानी जेर जबर पेश वाली आवाज है। आई इसकी अपनी आवाज नहीं है, आई आ और ई, ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी आवाज है। सही है? मैं कलर थोड़ा सा इसलिए चेंज करूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, फर्क समझना आसान हो जाए। अच्छा, ओ की भी जैसे प्राइमरी साउंड्स है उसी तरह सेकेंडरी साउंड्स है। तो ओ की प्राइमरी साउंड हमने कौन सी बताई थी, कल हमने पढ़ी थी आओ, यही किया था ना, आओ आओ किया था इसकी प्राइमरी साउंड। तो सेकेंडरी साउंड्स कौन सी होंगी, सेकेंडरी साउंड को पकड़ती है, सेकेंडरी साउंड है ओ और अली, ओ करेंगे और अली मदा करेंगे और ऊ करेंगे। सही है? मैंने देखा है यहां पर मुझे मुनज़ा नजर आई, मुनज़ा आप इधर ही हैं, मुनज़ा हमारी पुरानी स्टूडेंट है, पहले सीख चुकी हैं तो वो फिर भी उनको वक्त मिलता है तो वो नई क्लास में आ जाती है। मुनज़ा मैं चाहूंगा कि अगली आवाजें आप अगर बताएं, चेक भी हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। मुझे बतानी है मुनज़ा आपसे सवाल है कि यू की आवाजें बताएं मुझे, प्राइमरी और सेकेंडरी। मुनज़ा आप इधर ही हैं, मुनज़ा अगर आप इधर हैं तो मुझे बताएं, आप सुन रही हैं? Yes, I'm here. Yes, मुनज़ा ओ यू की प्राइमरी और सेकेंडरी आवाजें बताएं क्योंकि आपने पहले सीखा हुआ है, चेक भी हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं। ओके, ओ की आवाज आओ, ओ की हो गई है, यू की बतानी है, यू की है याओ। शाबाश, यू गॉट इट, वेरी गुड। तो ये अलिफ या और वाओ याओ, ये इसकी है कौन सी, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? मुनज़ा ये प्राइमरी है या सेकेंडरी आवाज है याओ? अफशान माइक बंद रखे हैं, मैं कैसे बताऊं यार, हमारी आवाम कब सुधरेगी, कब समझ आएगी, कब हम कदर करेंगे। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता लेकिन एक खास पॉइंट पर मुझे ले जाएंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं, मुझे पता है आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, गलती से होता है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है माइक बंद रखे और ड्यूरिंग क्लास माइक बंद रखे, ओनली ओपन योर माइक व्हेन नेसेसरी, जब आपको बात करनी है। मुनज़ा माइक खोलें, मुनज़ा आप इधर ही हैं तो माइक खोलें, यस माइक खोलें और बात करें। लेकिन मेरा ख्याल मुनज़ा के पीछे भी फैमिली बोल रही है। तो मुनज़ा ने हमें बताया कि यू जो है, यू की जो आप यू बोलते थे उसकी प्राइमरी आवाज है याओ, याओ, थोड़ी सी यू बोलते थे उसमें गोलाई डाल दी याओ। मुनज़ा अगर आप इधर हैं तो मुझे बताएं यू की सेकेंडरी साउंड्स कौन सी। जी मुनज़ा आप इधर ही हैं, मुनज़ा उनका नॉइज, उनका ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था, शी विल बी टेलिंग अस इन अ मिनट। मैं थोड़ा सा गेस कर देता हूं, इनमें से एक लेटर के साथ उसकी आवाजें मिलती जुलती, अगर मुझसे गेस पूछे। मुनज़ा आप इधर ही हैं, आप अगर मौजूद हैं तो बताएं। मुनज़ा यू की सेकेंडरी आवाजें बताएं, याऊ की, यू नहीं है याऊ है, वो बता दिया आपने, तो इसकी सेकेंडरी आवाजें कौन सी हैं? ठीक है मुनज़ा, आर यू देयर, आपको आवाज आ रही है, लेकिन चूंकि मुनज़ा का जवाब नहीं आ रहा तो मुझे देना पड़ेगा फिलहाल, तो मैं बता देता हूँ। यू की सेकेंडरी आवाजें बिल्कुल वही हैं जो ओ वाली है, तो इनको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। सही है? तो यानी ओ और यू की सेकेंडरी साउंड बिल्कुल ओ और यू की बराबर है। तो आपने सीखा, अब देखा ये क्या हो रहा है आपके सामने, ये दो चीजें आ रही हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं प्राइमरी का, उर्दू लिख लेता हूं इंग्लिश में। ये हम किसकी बात करें, हम बात करें वाउल्स की, वाउल्स की बात करें, ठीक है। और वाउल्स में मैंने क्या बताया, ये पहले वाली है प्राइमरी और अगले वाली है सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी कह लें या उन्हें कह लें ओरिजिनल और एप्लीकेशन साउंड्स कह लें, यू कैन नेम एनीथिंग, ठीक है। मैं इसका कलर कर देता हूं ताकि कलर कोड होगा तो आपको आसानी से आप फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका कलर मैं कर देता हूं सेम। तो ये आपको इस तरफ जो मिल रही है वो सेकेंडरी साउंड्स हैं और उस तरफ जो मिल रही है वो प्राइमरी साउंड्स हैं, ठीक है। प्राइमरी साउंड्स कौन सी हैं, जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे
तो आप प्राइमरी साउंड्स में सुनाएंगे, सही है। जब भी आप किसी को एबीसी सुनाएंगे, कोई आपको कहे मुझे एबीसी सुनाओ, तो आप किस में सुनाएंगे? प्राइमरी साउंड्स में सुनाएंगे, ए ई आई ओ यू। टोटल एबीसी क्या थी, मैं रिपीट करता हूं ताकि जिन्होंने लोगों ने पहली बार देख रहे उनको रिपीट हो जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जाए खाए एल एम एन आओ ठी ख्याओ आ एस ठी यो वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। और ये जो एबीसी हमने पहले सेशन में सीखी, आज उसका दूसरा प्रोफिशिएंसी सेशन, ये जो जो कि हम 5-6 देंगे, ये फ्री यहाँ पर 5-6 देंगे। वैसे 44 सेशन का ये कोर्स है। जो दोस्त डेमो के तौर पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो यहाँ से अंदाजा लें हम किस डेप्थ पर जाके अल्फाज के अंदर हरूफ के बाल की खाल उतार के गाइड करेंगे आपको। ये जब आपको अल्फाबेट्स की साउंड्स में ठीक बता रहा हूँ, फिर इनकी कहाँ ब्लास्ट होनी है, कहाँ स्किप होनी है, कहाँ साइलेंट होनी है, कहाँ कौन कौन सी आवाजें आनी है, ये मैं आपको बड़ी तफसील से एक एक हरफ की, मैंने कहा बाल की खाल उतार के आपको मिलेगी ट्रेनिंग। 44 सेशंस होंगे। आप ये 5 सेशंस जो हम फ्री देंगे, आज उसका दूसरा सेशन है, इनमें जितना फ्री सीख सकते हैं वो फ्री सीखें भी सही, एंड टेक द आइडिया, अंदाजा करें कि आपको कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सीखने का। एंड वंस यू हैव दैट आइडिया, तो आप उसके बाद हमारा फुल कोर्स जो है वो जो 2 मंथ्स का है, 44 सेशंस का होगा, उसको ज्वाइन करके आप सीखेंगे। तो यू लर्न अमेजिंग थिंग्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ईची बीची जिसे कहते हैं पंजाबी में, उनके एक एक हरफ के अंदर घुस के जाके हम समझेंगे वो वहां क्या किरदार है लगा हुआ है, तो बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, साइलेंट होगा या बोला जाएगा, और अगर बोला जाएगा तो किस आवाज में बोला जाएगा। उसकी प्राइमरी आवाजें भी हैं, सेकेंडरी आवाजें भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको किस आवाज, ये तो मैं वाउल्स की बता रहा हूँ, कॉन्सनेंट्स की भी, जो कि कॉन्सनेंट्स मैंने बताया उनकी भी प्राइमरी और सेकेंडरी आवाज है। तो यू विल हैव द आइडिया, आप इस सेशन से, इस वीडियो से ये अंदाजा ले रहे हैं। ये अंदाजा लेने के बाद जब 5 डेज का अंदाजा आप ले लें, तो मेरा फिर फुल 44 सेशंस का ये कोर्स है। जब आप वो कोर्स मुकम्मल करेंगे तो यू विल हैव अमेजिंग थिंग्स कमिंग योर वे, कि आपको अंग्रेज बोलेगा सरगोशी करे तो आपको उसकी समझ है, ठीक है। ये मेरा आइडियल है, कुछ लोग उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं कहूँ पहुंच पाते, बाकी अपनी अपनी हर की मेहनत है, बट आई टीच दैट लेवल। एक एक हरफ, एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस, एक एक डायलॉग की बाल की खाल उतार के लॉजिकली मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। आई हैव स्पेंट 20 years लर्निंग रिसर्चिंग एंड टीचिंग इंग्लिश। मैंने 20 साल गुजार दिए अंग्रेजी जुबान की तहकीक करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए, एंड आई बिलीव 20 साल अगर गुजार लिए और 20 साल में कितने लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो आई बिलीव मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ते पर डाल सकता हूँ। जो अंग्रेजी में मुश्किलात आती हैं उनका हल मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज यही है। मैं जिंदगी में एक ही काम कर रहा हूँ और भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ अंग्रेजी। तो अभी हम थोड़ी सी वो अनाउंसमेंट भी होगी, जो दोस्त मुझे ज्वाइन करना चाहें, जूम मीटिंग का आईडी और पासवर्ड इसी वीडियो के नीचे है। मेरी डेमो क्लासेस आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डेमो का बनाया इसी वीडियो के नीचे, उसका भी लिंक है, वो लिंक ओपन करके आप मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, तो आपको अनाउंसमेंट्स भी मिलते रहेंगे, कब कब हम कौन कौन सी क्लास करें, कब कब कौन कौन सी फ्री चीज़ें आ रही हैं, कब कब क्या क्या हम कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर आपको मिलेगा। लेट्स गो बैक टू डेस्कटॉप। कितने लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वाउल्स की भी बात हो रही है, कॉन्सनेंट्स के अलग साउंड्स हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम, उनके बारे में बात हम करेंगे। वाउल साउंड्स के ऊपर किन लोगों को कोई कंफ्यूजन है, यू कैन रेज अ क्वेश्चन एंड आई विल हेल्प यू। वाउल्स की आवाजों के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर, ठीक है? एनीबडी विद एनी क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? को बोलो तो सही, माइक तो खोलो, मैंने दसो, या सभी खोल लेते हैं और शोर हो जाता है, या कोई भी नहीं बोलता। मुझे बताएं कि वाउल्स की प्राइमरी और सेकेंडरी आवाजों का पता चल गया आपको। एक मनजा आप खोल लें, मंसूर आप खोल लें, माइक खुला रखें ताकि हम बात कर सकें, ठीक है? अमीना आप खोलना चाहें खोल लें, आपने माइक खोला, खोल लें, बात करें। प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क पता चल गया। मनजा आपका कैमरा खुला हुआ है,
अगर आप चाहती हैं कि देखा जाए आपको तो खुला रखें, नहीं तो आप yes. जी अमीना आप माइक खोलें, आई देयर एक दो माइक खोलें ताकि अच्छा ऑनलाइन क्लासेस में यह थोड़ा सा होता है कि मैं जो बात करूँ वो लोगों को समझ बड़ी देर से आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक दो माइक खोल लें ताकि मेरे साथ इंटरेक्ट करें, कोई एक दो माइक खोल लें मेरी तरफ से अलाउड है, ठीक है, एनीबॉडी कैन ओपन द माइक, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने बताई साउंड्स, ये वो साउंड्स हैं। प्राइमरी कौन सी हैं? जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे, यस यस खुल गया ना, नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था, मैक का प्रॉब्लम था, माइक प्रॉब्लम जी। प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क पता चल गया, प्राइमरी कौन सी आवाजें हैं, सेकेंडरी कौन सी आवाजें हैं, प्राइमरी कौन सी आवाजें हैं, जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे तो आप प्राइमरी में सुनाएंगे, तो जो आप पहले ए बोल रहे थे वो प्राइमरी उसकी आवाज नहीं है, वो उसकी जेर जबर पेश वाली आवाज, ठीक है, वो जेर, वो उसकी जेर जबर वाली आवाज है, वो प्राइमरी आवाज नहीं है। तो ए ई आई ओ यू जो प्राइमरी करें ये जब आप किसी को एबीसी सुनाएंगे तो ये सुनाएंगे, जब आप जेर जबर तौर पर करें तो ये वाली आवाजें मैंने जो डार्क ग्रीन रखा है ये वाली आवाज प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, सेपरेशन नजर आ गई। मुनाजा आप मेरे साथ रहें, इंटरेक्ट करें, बाकी लोग माइक बंद रखें, मैं सबका बंद कर रहा हूँ, बाकी सबके मैं माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और मुनाजा मैं आपका खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपका खोल रहा हूँ मुनाजा, आप मेरे ख्याल एक ही आई डी से हैं, किस आई डी से हैं, मुझे आप जरा हैंड रेज करें दोबारा मैं ताकि आपका सर मैंने वो दूर किया हेलो यस यस सॉरी सर वो मेरे प्रॉब्लम थी मे बी शायद मुझे ये था कि मेरे फोन में प्रॉब्लम है इस वजह से इट्स ओके इट्स ओके अब ठीक चल रहा है अब यहां से आगे चल मुनज़्ज़ा प्राइमरी सेकेंडरी का फर्क पता है आपको प्राइमरी कौन सी आवाजें हैं सेकेंडरी कौन सी आवाजें हैं जी सर पता है लेकिन सम टाइम हम इनको बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा सा ना हेजिटेट सा फील होता है कि अचानक एक माइंड में खौफ सा आता है कि पता नहीं ये प्राइमरी की तरफ जा रहा है ये सेकेंडरी की तरफ जा रहा है। अभी आपको फर्क तो आवाज़ें तो पता है ना कब प्राइमरी कब सेकेंडरी वो तो अल्फाज का जब मैं आगे हम डिस्कस करते हैं रूल्स को फिलहाल आपको ये तो पता चल रहा है ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी ये फर्क पता चल रहा है ठीक है जी जी ओके जी जो प्राइमरी वाली साउंड्स हैं जब आप किसी को एबीसी सुना रहे हैं तो आप सुनाएंगे प्राइमरी में जब आप अल्फाज की अदायगी बना रहे हैं तलफ़ुज़ बना रहे हैं स्पेल कर रहे हैं तो आप उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जरूरत के मुताबिक आवाजें ठीक है आमतौर पर जब जेर जबर तौर जेर जबर पेश दो जबर दो जेर दो पेश के तौर पर लगाएंगे तो हम कौन सी आवाजें लगाएंगे प्राइमरी या सेकेंडरी सेकेंडरी ये सेकेंडरी आवाजें लगाएंगे लेकिन क्या अल्फाज के अंदर भी ये प्राइमरी लगेगी आवाजें कि नहीं लगेगी डिपेंड करता है लेकिन डिपेंड करता है यस राइट राइट आंसर डिपेंड करता है अब क्या डिपेंड करता है वो रूल हम सीखते हैं सर वाउल्स के रूल आज सीख रहे हैं पहले तो वाउल हमने बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी दूसरे अब रूल नंबर वन ठीक है एंड लेट मी पुट पिक द ब्लैक कलर हियर वाउल और वाउल्स की साउंड्स का रूल नंबर वन रूल नंबर वन क्या है वाउल के प्राइमरी होने का रूल नंबर क्या है वन क्या है अगर दो वाउल इकट्ठे आ जाए अगर किसी वर्ड में दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो हम पहले को प्राइमरी लेंगे मुनाजा दूसरे को क्या करेंगे सेकेंडरी यस यू गॉट इट दो वाउल किसी वर्ड में इकट्ठे आ जाएंगे तो हम पहले को इन आवाजों में से लेंगे जो इस तरफ आ रही है लाइट ग्रीन वाली ठीक है जो इस तरफ आ रही है हम अगर दो वाउल इकट्ठे आ जाए किसी वर्ड में तो हम पहले वाले को प्राइमरी में से लेंगे और दूसरे वाले को सेकेंडरी में से ठीक है मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में लिखता हूं ठीक है अच्छा दो वाउल आ जाए तो मैं पहले रूल लिख लेता हूं फर्स्ट वाउल वाउल विल बी प्राइमरी ठीक है सेकेंड वाउल विल बी सेकेंडरी ठीक है मैं आगे लिख देता हूं दो वाउल इकट्ठे फर्स्ट वाउल प्राइमरी तो सेकेंड वाउल विल बी सेकेंडरी ये क्लियर है सबको किसी को कोई कंफ्यूजन हैंड रेज करके पूछ सकता है मैंने कहा दो वाउल कटे किसी वर्ड में आ जाएं तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी ठीक है
मिसालें करते हैं, ठीक है। आपके पास या सब लोग ही, आप कोई कोई भी आर्टिकल खोल लें, कोई भी चीज खोल लें, ऐसे अल्फाज मुझे सेंड करें जिसमें दो वाउल इकट्ठे आते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल एक दो लिख रहा हूं, डी आई ई टी, सही। मैं फिलहाल मिसाल के तौर पर ये लिख रहा हूं, आप लोग भी मुझे सेंड कर सकते हैं, उनको हम अदा करके देखेंगे। मुनज़्ज़ा क्या करेंगे, इस वर्ड को कैसे अदा करेंगे, पहले ये आय को प्राइमरी करेंगे या सेकेंडरी करेंगे? सर प्राइमरी। इसको प्राइमरी करेंगे तो इसका मतलब है इसका कलर मैं कर दूं लाइट ग्रीन, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी रखा है। तो ई को क्या करेंगे, सेकेंडरी आवाज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क करता हूँ। तो अगला अगला डार्क है, पिछला पहला वाला लाइट है, अगला डार्क है। इसका मतलब पहले को हमने प्राइमरी किया, दूसरे को सेकेंडरी किया, क्या आवाजें निकलेंगी, ठीक है। यहां तक बोले, आय तक बोले, आय तक बोलेंगे क्या आवाज निकलेगी, डी लिखा डी बोला जाएगा या डाई बोला जाएगा? डाई। फिलहाल अगला हिस्सा अगर मैं हटा दूं, अगला हिस्सा अगर मैं फर्ज किया थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, अब क्या हो गया, वाउल सिंगल हो गया कि प्राइमरी हो गया? सिंगल के सिंगल। नो नो सिंगल। सिंगल है तो फिर रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर इसको हम आय की सेकेंडरी आवाजों में जाएंगे। सेकेंडरी आवाजें आय की कौन सी हैं? ई आ आई, इनमें से लेंगे, ठीक है, इनमें से लेंगे। तो हम इसको आमतौर पर डी लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डी आई एस, डी आई एफ, है डी लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर वो क्या करता हूं, मैं आगे बाउल एक और लगाता हूं तो डाई बन रहा है। पहले क्या था, डी था, अब क्या हो गया, डाई हो गया। अच्छा, ई की आवाज आपने बताया सेकेंडरी में से लेंगे, तो सेकेंडरी में ई की दो आवाजें आ रही है, आ भी है, ए भी है, तो क्या बोलेंगे आप, इसे बताएं क्या बोलेंगे, आ के हिसाब से भी बोलें एक मरतबा और एक मरतबा ई के हिसाब से बोलें, क्या बनाएंगे, करके दिखाएं। ए सर ले सकते हैं? नहीं, पूरा बनाएं, ए भी कर सकते हैं। तो आप वर्ड बनाएं ना, तो पहला पहले वाला इसे तो हो गया डाए, पहले वाला इसे तो हो गया डाए, अगले वाले इसे को क्या करेंगे, ई की आवाज ए भी है और आ भी है, तो कैसे बोलेंगे सर, ए निकालेंगे ना, डाए एट, ठीक है, डाइट, डाई कटा सेपरेट, तो हम बोलेंगे, बोलने में तो सेपरेट ही होगा, लिखा मैंने सेपरेट है, तो बार क्या बनेगा, डाइट, 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 सेपरेट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन बोलेंगे क्या, डाइट, सही है। मुनज़्ज़ा दूसरी आ वाली आवाज के साथ भी एक मरतबा कर दें, ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा, डाइट, 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 तो क्या बनेगा, अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, डाइट, तो दोनों ठीक है, डाइट भी ठीक है, डाइट भी ठीक है, डाइट, डाइट, दोनों ठीक है। आई हैव क्वेश्चन अबाउट दिस वर्ड, यस यस, इसको ब्रिटिश एक्सेंट में हम तो इसको टी को ब्लास्ट करते हैं ना, तो हम मोस्टली हम तो यूज करते हैं डाइट, नहीं डी तो, जो टी, जो टी तो ब्लास्ट, टी की, नो 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 सर, जो टी की आवाज आवाज निकल रही है ना, वो ब्लास्ट हो रही है ना, हम ब्लास्ट का कल डिस्कस करेंगे, अभी आपको मालूम है क्योंकि आपने पहले सीखा हुआ है, ये नए स्टूडेंट्स को इस जज में ना डालें ब्लास्ट वाले के, इनका अगला, नो 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 आई हैव अ ब्रिटिश एक्सेंट, दैट्स व्हाई आई हैव क्वेश्चन, कल कल इस कल इस सवाल को जवाब देंगे ताकि सबको जवाब मिले, अभी हम सिर्फ वाउल पर रहे, इसको दो आवाजें देंगे, डाइट और डाइट, दोनों ठीक है, इसमें ब्रिटिश अमेरिकन का चक्कर नहीं है, ब्रिटिश वाले और अमेरिकन वाले दोनों को बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेकेंडरी आवाजें, ई की ए वाली आवाज भी सेकेंडरी है और आ वाली आवाज भी सेकेंडरी है, हमने दोनों के साथ बोल दिया डाइट और डाइट, लेकिन दोनों सूरतों में यह तय हुआ कि आए की आवाज प्राइमरी वाली निकली है, यहां पर डिट नहीं बोला, डीट नहीं बोला, डाट नहीं बोला, सही है, डाइट। मुनज़्ज़ा या किसी और के जेहन में कोई और ऐसा वर्ड जो डबल वाउल से, जिसमें ठीक है डबल वाउल आते हैं, आज मैं मेरी कोशिश है कि हम वाउल को फाइनल कर लिया, सही है, कोई मुझे रिकमेंड करके भेजें वर्ड, लेमन, स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है उसके, वो तो उसमें डबल नहीं आता, नो डबल नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छा और कर लेते हैं, डी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एफ डबल ई एल, ठीक है,
डबल वाउल आ गया ना नजा, यस डबल सर वाउल आ गया। फील अच्छा या इसको, अच्छा इसको मैं फेल बोलूं। अच्छा अगला अगला हिस्सा मैं फिलहाल निकाल रहा हूं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए काट रहा हूं। अब क्या बना, ये फी सर है या या फे है? ये फिर फी बोलेंगे या फे बोलेंगे? रूल के मुताबिक बनाए, वाउल वाले रूल के मुताबिक बनाए, फे बोलेंगे। क्यों फे या बोलेंगे, क्यों फे बोलेंगे? बिकॉज़ इसके ई है तो सिंगल प्राइमरी है, आवाज सिंगल वाउल है, नहीं प्राइमरी नहीं ना, सिंगल है ना, सिंगल वाउल है तो सेकेंडरी आएगी, सेकेंडरी में से देखेंगे। ई की सेकेंडरी आवाज में जाते हैं, वो कहता है या ए बोले फे या फा, या फे या फा, क्योंकि सेकेंडरी आवाज है इसकी। मैं ले आता हूँ नीचे, आवाजें खींच के ले आता हूँ सारी। मैं ये वाला ऐसा डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि इसकी आवाज सही तरह से कर सकूँ। लेट मी टाइप इट हियर। अच्छा आवाज है ई, सेकेंडरी आवाज है ए या आ, यहां पर इसमें से कौन सी आएगी, प्राइमरी में से आएगी या सेकेंडरी में से आएगी? आपने बताना, सॉरी सर यहां पर एफ ई जो दो लेटर हैं, इसमें ई की आवाज मैं प्राइमरी में से लूं या सेकेंडरी में से? प्राइमरी में से क्यों, क्यों बिकॉज ई सिंगल है ना बी सिंगल है तो सिंगल प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है? सिंगल प्राइमरी लेटर, बाकी कोई बताए मुझे, अभी बताया, बताया अभी मैंने बताया, मैंने कहा दो वाउल आए तो पहला प्राइमरी होगा, दो वाउल इकट्ठे आए जी तो पहला प्राइमरी होगा, अगर अकेला आ रहा है तो फिर वो प्राइमरी नहीं, तो ये नहीं अकेला है सेकेंडरी ये। अब ई जो है वो यहां पर सिंगल सिंगल वाउल है ना, कंसोनेंट की हम बात नहीं कर जी रहे, यहां पर मौजूद जो वाउल है वो अकेला है, तो इसका मतलब है ई को हम यहां से ऊपर जो आवाजें आ रही हैं ये वाली और ये वाली, मुझे बताएं कौन सी वाली है, लाइट वाली अलिफ लूं या मद्दा डार्क वाली? हाँ? फा अलिफ या फे, मद्दा फा या फे, इसको फे बोल फै देंगे या फा बोलेंगे? ठीक है, फर्क फेस्ट किया, एफ ई एस टी, इसको फीस्ट बोलते हैं या फेस्ट बोलते हैं? फेस्ट बोलेंगे ना, यानी कौन सी आवाज ली आपने, ये वाली। ठीक है, और अगर मैं अलिफ यहां पर ए लगा दूं, एक और वाउल लगा दिया, अब ई प्राइमरी रहेगा कि सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा या प्राइमरी प्राइमरी रहेगा? अब क्या होगा, प्राइमरी प्राइमरी हो जाएगा, किस वजह से, किस वजह से, वजह बताएं। क्योंकि साथ एक और वॉल कांस्टेंट वॉल उसके वाउल साथ कर दिया लाइट वाला, और अगले को क्या करूं? ठीक है, इसको मैं करूंगा डार्क कलर, क्योंकि ये सेकेंडरी कलर वाली आवाज है। क्या बनेगा, क्या आवाज निकालेंगे आप इसकी? फीस्ट, फीस्ट फीस्ट, फीस्ट में सुनने को आपको फीस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप स्लो मोशन करके सुनेंगे तो एक ही आवाज आ वाली निकलेगी, फीस्ट। ठीक है, ठीक है, फर्ज किया, पीछे कौन सा वर्ड लिखा था हमने, फील वाला, एफ डब्ल्यू एल, तो ये पहला वाला प्राइमरी हुआ, क्योंकि तो दो वाउल है, पहला प्राइमरी, अगला सेकेंडरी, तो क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे इसे, मुनजा, इसे फील बोलेंगे, फेल बोलेंगे? आइए, अगर एक वाउल के बाद एक और वाउल आ जाए तो उसे वो प्राइमरी करेगा, एक वाउल गारिट, ये समझ आ गई सबको, क्लियर हो गया, कोई भी वाउल खुद से प्राइमरी नहीं हो सकता, उसके बाद एक और वाउल आएगा तो उसे प्राइमरी करेगा, तो इसको हम डायल करेंगे, डायल। ठीक है, इसको हम करेंगे डायल, इसका मैंने ये कलर कर दिया और आगे डबल दूसरा कर दिया। अच्छा सब लोग जूम को दोबारा ज्वाइन करके आ जाए, मैं उतनी देर बाकी लोगों को मुतारफ करवाता हूँ, आप लोग जूम को दोबारा ज्वाइन करके आए, बंद, सब लोग जूम को दोबारा ज्वाइन करें, और मैं तब तक बाकी लोगों से मुतारफ करता हूँ, बाकी लोग ज्वाइन करें जी, बाकी लोग जो है वो, क्योंकि हमारा ब्रेक आ जाता है 40 मिनट बाद, मैं अनरजिस्टर्ड वर्जन चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास फार्मूले हैं, आपको सर्विस मिल रही है, तो वो पैसा जो हम उनको देना होता है वो हम बाकी क्वालिटीज की चीजें आपको करके देने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स जब तक इकट्ठे होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, बट जो लाइव क्लास हो रही थी जिसमें पब्लिक मेरे साथ होती है, मैं उस वक्त जो लाइव पब्लिक होती है, लाइव स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अटेंड करता हूँ, उनकी पार्टिसिपेशन लेता हूँ, कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, लेकिन उनको पढ़ के हम अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उधर अटेंड करेंगे तो फिर इनको इग्नोर कर बैठेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मैं सबको यार एक तो मैं म्यूट ऑल करता हूँ, ठीक है, सब लोग म्यूट कर जाएं, ठीक है, और म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, ठीक हो गया,
सब लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं तब तक आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपको लोगों का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सीखने का. डू लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर या जो कमेंट्स आ रहे होंगे उन पर आप मुझे बताएंगे. तो स्टूडेंट्स तकरीबन आ चुके हैं, जो बात हमारी रह गई थी वो मैं उनको जारी रखता हूँ. ठीक है, सब आ गए, मजीद आते जाएंगे तो मैं उनको स्क्रीन पर लेता जाऊंगा. मुनज़ा आ गई है तो मुनज़ा बारिस कैरी करे मेरे साथ, वरना बात सबको समझ आ गई है. ठीक है, एनी बडी कैन कंटिन्यू विद मी और ये बात अब कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट मी गो ऑन स्क्रीन एंड टॉक. डायल बोलेंगे, डायल नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं डायल डायल डायल. तो पहला वाउल प्राइमरी तो हो रहा है, दो तो ठीक करें, लेकिन अगला ए को यूज नहीं कर रहे आप, ए की आवाज या ए आएगी या आ आएगी. डायल 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 करेंगे, डायल नहीं करेंगे. मेरी बात प्राइमरी सेकेंडरी साउंड्स की किसी को समझ पड़ी है तो बताएं, नहीं पड़ी तो बताएं, जिसको समझ नहीं आई वो सवाल करें. मैंने बताया दो वाउल इकट्ठे आएंगे तो पहला प्राइमरी हम करेंगे, दूसरे को सेकेंडरी करेंगे. ठीक है, जिसको बात ये समझ नहीं आई वो मुझे अपना माइक खोल के सवाल कर सकते. ठीक है, अगर माइक खुद से खुला नहीं है तो आप हैंड रेज करेंगे, वहां पर एक जेस्चर की भी ऑप्शन है, मैं आपका माइक खोल दूंगा. रहूंगा दो वाउल आ जाए तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी. रूल नंबर वन ये बताया कि अगर किसी भी जगह पर दो वाउल आ जाए, वाउल वावल नहीं वाउल वाउल, दो वाउल आ जाए तो पहले को प्राइमरी करेंगे जिसका कलर मैंने लाइट ग्रीन रखा है, दूसरे को सेकेंडरी करेंगे जिसका मैंने डार्क ग्रीन रखा है. ठीक है, किसको बात ये समझ नहीं आई है? उमर आपको समझ नहीं आई, माइक खोलें और बात करें. उमर आपको बात समझ नहीं आई है, आप माइक अपना खोलें और सवाल करें. जी करें, कोई भी आ जाए, पांचों में से कोई भी आ जाए. रूल ये है कि दो वाउल की बात हो रही है, दो सेम वाउल की बात नहीं हो रही. ठीक है, अब देखें यहां पर दो अलग हैं, ई ई और ए सेम नहीं है, यहां पर सेम है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है. मैंने कहा दो वाउल आए तो पहले को प्राइमरी दूसरे को सेकेंडरी. ये क्लियर हो गया? उमर क्लियर है? आप माइक खुला रखें. उमर ये बात समझ आ गई? क्लियर है माइक आपको मेरी बात? मुनज़ा आप अपना माइक खोलें. ठीक है, बाकी लोगों आप बाकी भी खोल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एंगेज एट अ टाइम एक रहेगा, बाकी लोग सिर्फ खामोशी से सुनेंगे. कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे साथ सवाल करेंगे, माइक खोल एट अ टाइम कम्युनिकेट मेरे साथ एक करें ताकि नॉइज ना हो, बाकी लोग समझें, और किसी को कंफ्यूजन हो तो माइक खोल के बात कर सकते. ठीक है, अच्छा रूल नंबर वन ये था कि दो वाउल आ जाए तो पहला वाउल प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी. ठीक है, ये रूल नंबर वन था. रूल नंबर टू की तरफ चलते हैं, आगे रूल नंबर टू लिखते हैं. रूल नंबर टू मैं करता हूं टू. रूल नंबर टू है कि इन दो वाउल के दरमियान में कोई एक कॉन्सनेंट आ जाए, दो वाउल के दरमियान में एक और कॉन्सनेंट आ जाए तो रूल कायम रहेगा. अब मैंने इतनी बात बता दी तो बाकी आपको वैसे ही समझ है. मुनज़ा आप माइक खुला रखें, मुनज़ा माइक खुला रखें. मैंने क्या कहा कि रूल जो पहला रूल था कि दो वाउल हो तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, ये रूल था. रूल नंबर टू बता रहा हूं कि दो वाउल के दरमियान में अगर एक कॉन्सनेंट आ जाए, एक कॉन्सनेंट आ जाए दरमियान में तो रूल कायम रहेगा. मतलब क्या है कि पहला प्राइमरी और अगला सेकेंड, सही है. लेकिन अगर अगला वाउल मैंने हटा दिया तो फिर तो हैसियत ही खत्म होगी ना, सिंगल वाउल की तो बात ही नहीं हो रही. सिंगल वाउल कब क्या होगा? मुनाजा ये बात आपने पहले कर ली थी, सिंगल वाउल की क्या आवाज निकलेगी, प्राइमरी या सेकेंड? मुनाजा कंफ्यूज हो रही हो, सिंगल वाउल की सपोर्ट में कोई और नहीं आ रहा. किसी वाउल को प्राइमरी होने के लिए जरूरी है कि क्या क्या के बताएं, किसी भी वाउल को प्राइमरी होने के लिए क्या जरूरी है? बताया था, बताएं क्या जरूरी है? किसी भी वाउल को प्राइमरी होने के लिए क्या जरूरत है, लाजमी क्या बात है उसको प्राइमरी करने के लिए, क्या लाजमी लाजिम बात है? कोई एक और वाउल होना चाहिए, ये बात है.
तो अगर सिंगल है तो फिर वो प्राइमरी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसको प्राइमरी होने के लिए दो रूल आ गए आपके सामने, दो वाउल आ जाए इकट्ठे तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। और मैंने रूल नंबर टू कहा कि दो वाउल मौजूद है और एक दरमियान में कॉन्सोनेंट है तो रूल कायम रहेगा, यानी पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, लेकिन जैसे ही मैं अगला वाउल खत्म कर दूंगा तो वो पिछले वाला प्राइमरी उसका जो स्टेटस है वो खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर कहते हैं, मैं कहता हूं एस आई टी क्या है, क्या बोलेंगे मुनजा इसे, सिट। आगे इसको मैं आय को प्राइमरी करने के लिए क्या करूं, दो में से एक रूल बता दें, आय को अगर मैं प्राइमरी करना चाहता तो क्या करूं, एक और वाउल लगा दूं, कहां लगाऊं, आय के साथ लगा दे, ये वाला रूल कौन सा बनेगा, ये पहले वाला रूल बनेगा या दूसरे वाला। प्राइमरी बनाने के लिए आपने मुझे बताया कि एक वाउल और लगा दूं, ये कह रही है, मैं वो वाउल कहां लगाऊं, आय के बाद, आय के बाद, साथ का मतलब पहले भी तो हो सकता है ना, फिर वो आय को एड्रेस नहीं करेगा, आय के बाद। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको साइलेंट बोलेंगे, साइलेंट बोलेंगे, लेकिन आपको पता है ई साइलेंट भी होता है, ई को साइलेंट भी कर सकते हैं, तो फिर साइलेंट भी कर सकते हैं, साइट भी कर सकते हैं, साइट, ठीक है। अच्छा, अगर यही वाला सिचुएशन फिर हो एस आई टी और इसको प्राइमरी करना तो रूल नंबर टू भी बताएं, उसके मुताबिक क्या करेंगे, एक वाउल आ रहा है, एक और वाउल लगा दूं लेकिन अब कॉन्सोनेंट के बाद लगा, तो ये दोनों को आवाज क्या आएगी, दोनों की आवाजें सेम हो, क्योंकि रूल दोनों पर सेम अप्लाई हो रहा है, दो रूल अप्लाई रहे हैं लेकिन दोनों रूल बात एक ही कर रहे हैं, या दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। आप डिफरेंस की बात, हम मीनिंग की बात अभी नहीं कर रहे, हम आवाजों की बात, ठीक है। ये रूल नंबर वन के हिसाब से, ठीक है, रूल नंबर वन के हिसाब से एक वाउल के बाद फौरी एक वाउल आ जाए तो पहला प्राइमरी हो जाता है, ठीक है, हमने पहला प्राइमरी कर लिया। मैं आए को लाइट ग्रीन करूं या डार्क ग्रीन करूं, बताएं, ये बताएं, लाइट करेंगे क्योंकि लाइट हमने रखा था प्राइमरी वाले, सही है। और ई को क्या करूं, डार्क ग्रीन करूं, ई, इस डार्क ग्रीन का मतलब क्या है, ये सेकेंडरी या क्या है भला, साइलेंट, सेकेंडरी या साइलेंट, खास तौर पर ई जो है वो सेकेंडरी या साइलेंट हो जाता है, उसके पास साइलेंट होने की भी ऑप्शन हो जाए, तो इसको हम, इसको भी साइट बोलेंगे, साइट। और ये रूल नंबर टू के हिसाब से, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू के हिसाब से, ठीक है, कि अगर एक वाउल, एक कॉन्सोनेंट और एक फिर वाउल आ जाए, यानी दो वाउल के दरमियान में एक कॉन्सोनेंट हो तो भी पहला वाउल प्राइमरी रहेगा। मुनज़्ज़ा मुझे बताएं, मैं ई की आय का कलर कौन सा करूं, डार्क करूं या ब्राइट करूं, मुनज़्ज़ा कितने लोगों को लगता है मुनज़्ज़ा ठीक करी है, मुनज़्ज़ा कितने लोगों को लगता है मुनज़्ज़ा ठीक करी है, मुनज़्ज़ा कह रही है आय का कलर मैं डार्क कर दूं, डार्क का मतलब क्या है, क्या लिखा था, आय का कौन सा कलर करूं, चलो अच्छा डार्क कर, मोहम्मद शकील भी आपके साथ है, सही है, दो वोट हो गए, सही है, दो वोट हो गए। और मैं आपको बताऊं, शाबाश, तुम दोनों गलत कह रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा दोनों का जवाब गलत है, ब्राइट कलर हमने किसका रखा था, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, पीछे चलते हैं, ये देखिए हमने ब्राइट कलर प्राइमरी का रखा है, डार्क कलर सेकेंडरी का रखा है। आप कह रहे हैं कि मैं आय का कलर डार्क कर दूं, क्यों, क्योंकि आगे ई है तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा, तो प्राइमरी का कलर हमने लाइट रखा है कि डार्क रखा है, तो हाजिर दिमाग भी रहे ना, हाजिर दिमाग रहे, मैंने लाइट कलर रखा, अच्छा मैंने अपनी तरफ से रखा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा किस तरह हम उसका डार्क रख सकते थे, हमने एक समझने के लिए कर लिया कि प्राइमरी का हमने लाइट रख लिया, सेकेंडरी का डार्क रख लिया, सही है। मैं असल में पूछ ये रहा हूं कि आय प्राइमरी होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा हूं, होगा, क्यों, किस वजह से होगा,
आगे वाउल है, ठीक है, आगे वाउल है, इसलिए आय को प्राइमरी रखेंगे। मैं अब आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, शकील आपको भी, मनाजा आपको भी, और कोई भी जो दूसरा देख रहा है, आप भी लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं सबको, मैंने ये खत्म कर दिया। फर्क क्या पड़े, मैंने खत्म कर दिया, मुझे कलर्स के हिसाब से बताएं क्या फर्क। मुझे सिर्फ कलर के हिसाब से बताएं कलर में क्या फर्क आएगा। वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। सिंगल वाउल है तो सेकेंडरी आवाज हो जाएगी, कलर डार्क हो जाएगा, हाँ डार्क हो जाएगा, यू बिल्कुल सही है। आगे वाउल है तो, आगे वाउल है तो ये प्राइमरी है, आगे वाउल है तो ये ब्राइट कलर है, गॉट इट। ठीक है, मैंने दसो केड़ी गल जेड़ी उत्तों लंघ रही है। लॉजिकली हर चीज मैं मत्थे आपके दिमाग में ठोसने की कोशिश कर रहा हूं, समझा के मैं चीजें ही क्या करूं, समझा के आपके दिमाग में ठोसने की कोशिश कर रहा हूं। ते हुण भी किसी समझ नहीं आनी, फिर किसी समझ नहीं आनी पाकिस्तान, सही है, घट तो घट पाकिस्तान च रह के तुहानू अंग्रेजी तो समझ नहीं आनी, क्योंकि मेरी तो अगर तुहानू समझ नहीं आनी, मैं कौन सी बात है जो आपको लॉजिकली नहीं समझा। ठीक है, चले क्विज करते हैं। एवरीबडी रेडी फॉर क्विज, एवरीबडी रेडी फॉर क्विज। मैं ये सारी चीजें कर देता हूं ऊपर, एवरीबडी रेडी क्विज, आप भी करें और इधर जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके उनसे भी सवाल। ठीक है, मैं करता हूं सी यू टी कट। सवाल मेरा है और आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ हैंड रेज करना है। यहां पर हैंड रेज करने की ऑप्शन है सबके पास हैंड रेज करने की ऑप्शन है, सब लोग हैंड रेज करेंगे। अभी से नहीं, पहले बल बल कर, ठीक है, सही है, पहले कर, ये तो ताली है ना, हैंड रेज करना ऐसे, ये वाला हैंड रेज। शकील आप अभी डाउन कर, पहले सवाल पूछ लेने देना। ठीक है, मुझे बताएं कि यू की कलर मैं ब्राइट करूं या डार्क करूं, सिर्फ बोलना नहीं किसी ने, अभी बोलना नहीं किसी ने, मुझे सिर्फ आपने हैंड रेज करके बताना है कि यू का कलर मैं ब्राइट करूं या डार्क करूं, फिर मैं जिससे पूछता हूं वो माइक खोलेगा, वो बताएगा। ठीक है, आज दसवें बैच वाले भी इधर ही रहे, अगली क्लास वाले इधर ही रहे मेरे साथ, क्लास को जारी रखें। ठीक है, मना तरजीला आप भी इधर ही है ना, आपने ये रूल सीखे हुए पहले, रिपीट हो रहे हैं आप। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि ये ब्राइट होगा या जिन लोगों को लगता है ये डार्क कलर होगा, हैंड रेज करें, फिर मैं पूछता हूं। आई विल गो विद आकिब अवैस। आकिब आप माइक खोलें, बताएं मैं यू का कलर ब्राइट करूं या डार्क करूं। आकिब उधर भी आप जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, और आपका जवाब आपको पता बता दिया जाएगा, आपका जवाब ठीक रहेगा, सही है। जो लोग जी हाँ, आकिब आप बताएं, आकिब आप हैं इधर ही, आकिब तो आपने हैंड रेज कर दिया, जवाब नहीं दिया। अमीना अदनान, अमीना आप बताएं, मैं यू का कलर ब्राइट करूं, लाइट ग्रीन करूं या डार्क ग्रीन करूं। अमीना अमीना आपको मेरी आवाज आ रही है, अमीना आपको मेरी आवाज आ रही है, ले दसो, मैंने जवाब ही कौन नहीं दे रहे, मैं की करनी है, मैं यू का कलर ब्राइट करूं या डार्क करूं। ठीक है, शहबाज आप बताएं यू का कलर मैं ब्राइट करूं या डार्क। शहबाज खोले माइक, बताओ यार आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, दसना नहीं, फिर जी शकील आप बताएं, मैं ब्राइट करूं या डार्क करूं। डार्क करेंगे ये कह रहे हैं शकील, लेकिन ये बात सच्ची है या झूठी है, कौन इसके साथ खड़ा होता है, कौन ये समझता है कि शकील ने बात जवाब सही दिया है, कौन जवाब देगा कि शकील ने जवाब सही दिया है।
आप मुनजा करिए, मुनजा आप कह रही हैं सही दिया या गलत दिया है बताएं। सही दिया, वो कह रहे हैं डार्क दिया है, वो तो ब्राइट डार्क का कह रहे हैं, आप ब्राइट कह रहे हैं, आप तो कंफ्यूज है। मुनजा कंफ्यूज क्यों हो जाती है, मुझे बताओ क्या रोला है, हैं कंफ्यूज हो जाती है। वो कह रहे हैं मैंने डार्क दूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सही जवाब दे रहे कि नहीं दे रहा, सही है, सही दे रहे हैं। आज नहीं, आप हमेशा कंफ्यूज होती हैं आप, मैं देखता हूँ ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है, पता नहीं किधर खड़ी होती है जवाब। तंजीला तंजीला आप बताएं, मैं यू का कलर ब्राइट करूंगा या डार्क करूंगा। तंजीला यस मेरी तरफ से वो हैंड रेज करें ना, आपको क्यों बता रहे हैं, हैंड रेज तो मैंने बंद नहीं किया। आकिब तो इधर ही आई नहीं, अभी वो चला गया, सही, अच्छा है इधर ही, हाँ माइक खोलें भाई आकिफ, हाँ खोलें जी, मैं खोले फिर बंद कर चढ़े, ठीक है चलें खोलें, आकिब बोलो, भाई आपको आपको वहां पर मैसेज करने की भी ऑप्शन मौजूद है, हैंड रेज करने की ऑप्शन मौजूद है, चलें बताएं जी, चलें बताएं, चले हो खुल गया, आप बताएं तो क्या कलर करूं, फिर जब आप ही बंद कर लेना यार, पहले पूरी गलत कर लो फिर खोलो। जी आके वेरी गुड, हो गया ठीक, हो गया वो जवाब, जवाब आपका आधा ठीक हो गया, आपका जवाब ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैंने पूछा जवाब मुझे उस तरह से चाहिए, इसको मैं कलर ब्राइट करूं या डार्क करूं, मैं कलर इसको ब्राइट करूंगा या डार्क करूंगा ये बताएं। वेरी गुड, नाउ योर यू, आपका जवाब पहले भी ठीक था लेकिन मैं पूछ उस तरह से रहा जिस तरह से मैंने पूछा जवाब, डार्क हमने कलर किस लिए रखा, सेकेंडरी के लिए, तो ये हम इसको डार्क कलर, हम इसको डार्क कलर करेंगे। आके आप ही बताएं, इसको इसको ब्राइट कलर करने के लिए मैं क्या चेंज लेके आऊं, क्या करूं कि इसका कलर ब्राइट हो जाए, या क्या करूं कि ये प्राइमरी साउंड हो जाए। आके भी यार तू फिर बंद कर लेता, अभी बात तेरी हो रही है बंद कर लेता माइक, जब मैं कहता हूं बंद करो तब आप लोग करते नहीं। आके खुला रखो माइक, माइक खुला रखो जी, नहीं मैं क्यों ई क्यों, ई क्यों लगाऊं, क्या मेरी मजबूरी है कि मैं ई ही लगाऊं, क्या मेरी मजबूरी है ई ही लगाऊं, यस 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 यस, अब ठीक बोले आप, मीनिंग वो भी बात कर लेंगे, वो भी बात नहीं, जब आप सिर्फ क्यूट करें तो इसका मतलब ये जेन में सबके जाएगा कि सिर्फ ई से ही बनता है, क्यूट तो एक वर्ड है ना, मैं कह रहा हूं हम अभी आवाजें सीख रहे हैं, हम वर्ड्स बनाना नहीं सीख रहे, आवाजों को समझ रहे हैं, आवाजों के रूल को समझ रहे हैं, आवाजों के उसूल समझ रहे हैं, इसको प्राइमरी बनाने के लिए मुझे क्या करना है ये बता। इसको अगर मुझे प्राइमरी करना है तो मुझे क्या करना है? जी बताएं, कोई भी ऐसा वर्ड, पांचों में से कौन सा वर्ड, पांचों वाउल्स में से कोई एक और लगा दूं तो ये प्राइमरी हो जाएगा, कहां लगाऊं, यू के बाद लगा दूं, ठीक है मैं यहां लगा दिए, चलो ठीक हो गया कोई बात नहीं, यहां लगा तो ये क्या बनेगा, ये क्या बोला जाएगा, अब ये क्यूट हो गया, ये क्यूट है, ये भी क्यूट है, और अगर मैं सी यू टी और अगर टी के ई के बाद टी से पहले लगा दूं ई तब भी क्यूट है, टी के बाद ई लगा दूं तब भी क्यूट है। हम यहां स्पेलिंग नहीं सीख रहे, स्पेलिंग गलत से सही कुछ हो गया, आवाजों को समझ, मैंने ई लगा दिया यू के बाद तब भी वो क्यूट बन गया, मैंने ई लगा दिया टी के बाद तब भी वो क्यूट, ठीक है मैं या हाँ यस हाँ सही बात, तुम सही समझो शकील, तुम समझ, हाँ तुम सही समझो बात, यही समझाना चाहता,
यही समझाना चाह रहा हूं कि दो रूल हैं, वो दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है, दोनों रूल एक ही काम करते हैं, पिछले बाउल को प्राइमरी करते हैं, उनका असल काम पिछले बाउल। यस यस यस, ठीक है। अच्छा अब मैं करता हूं SET सेट, ठीक है। शकील बताओ ई प्राइमरी है या सेकेंडरी है? कलर कौन सा लगेगा? शाबाश, वेरी गुड। प्राइमरी करने के लिए क्या करूं? गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर ए लगानी है, ई लगानी है, बन गया, ठीक है। अब मैं फिर सेट लिखता हूं और मुझे दूसरे रूल के हिसाब से समझाए, ठीक है। बाद एक और लगा दिया, रूल नंबर टू। दोनों की आवाज क्या होगी? ऊपर वाले की आवाज क्या, नीचे वाले की आवाज क्या है? हम स्पेलिंग नहीं कर रहे, हम स्पेलिंग नहीं सीख रहे। कोई ये कहे आपने गलत लिखा है, हम स्पेलिंग नहीं डिस्कस कर रहे, हम आवाजें डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ऊपर वाले की क्या आवाज आएगी, नीचे वाले की क्या आवाज है, बताएं। ऊपर वाले की आवाज भी सीट आएगी, नीचे वाले की आवाज भी सीट आएगी, क्योंकि असल मकसद पिछले को प्राइमरी करना है, सही। शाबाश, यू गॉट इट राइट, ठीक है। और SET ये क्या निकलेगी आवाज? ये भी सेम निकलेगी, वेरी गुड हो गया। और SET ये क्या निकलेगी? पहले वाले की सेम निकलेगी, वर्ड का स्पेल वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगला ई आई अब बोला जाएगा, तो CT बोलेंगे या CT बोलेंगे, ये बताएं। CT बोलेंगे, मुनाजा ठीक करें। तो आई की प्राइमरी आवाज आवाज निकाल रहे हैं आप यहां पर कि सेकेंडरी निकाल रहे हैं? मैंने जानबूझ के उल्टा आपको, आप मैंने खुद फंसाया था, सही, और तुम फंस गए उसमें। मैंने जानबूझ के पूछा पूछा CT करेंगे या CT करेंगे, तो आपने CT पकड़ा। आई जब करेंगे तो वो प्राइमरी साउंड, CT करेंगे, CT। अच्छा अच्छा, CT करना हो तो क्या करूंगे? अगर मैं चाहता हूं CT करूं तो क्या करूं? सीधा सीधा जवाब है यार, आगे एक और बाउल लगा दें, आई को भी प्राइमरी करना है। अब आई को भी प्राइमरी करना तो आगे एक और लगा दूं, ये CT हो गया, आगे एक और बाउल लगा दिया, पिछला बाउल हो गया, उसका काम हो गया, पिछले को आई ने हेल्प कर दी, उसका काम हो गया, ठीक है। अब इस आई को भी मैं अगर करना चाहता हूं तो एक और बाउल लगा दूं, रिपीट कर दूं ना रूल को, तो इसका मतलब है वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, ये रूल जब तक चलता रहेगा हमारा रूल चलता रहेगा ये, ठीक है। जितना भी वर्ड लंबा हो ये रूल चलता रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर DOCUMENT यहां डिस्कस करते हैं, ओ को प्राइमरी करेंगे नहीं करेंगे, आप बताएं शकील, ओ को प्राइमरी करूं या ना करूं? नजर करिए, नो, डेफिनेटली करेंगे। किस वजह से? क्योंकि आगे एक वाउल है, ये देखें ना सिचुएशन। शाबाश, वेरी गुड। इस यू को प्राइमरी करूं या ना करूं? क्यों क्यों करें? वाओ, यू गॉट इट, वेरी गुड। एक और आ गया ना, एक और ई आ गया, ठीक है, रूल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। इस ई को प्राइम, इसको ग्रिप लाइट करूं या ना करूं? इसको लाइट करेंगे, गॉट इट। इसके मतलब, इसके मतलब अब तुम्हें वो कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है, अब तुम पक्का हो गया रूल आप। अब इस ई को सपोर्ट करने के लिए आगे हमारे पास वाउल नहीं है, इसलिए हम इसको सेकेंड, ठीक है। अगर मैं शकील यही सवाल करूं कि इस ई को भी मैं ब्राइट करना चाहता हूं तो क्या चेंज की जा सकती है? स्पेलिंग को छोड़ दे, स्पेलिंग गलत होने को छोड़ दे, रूल को समझना। हम्म,
वेरी गुड, ये ठीक है मैंने बोल दिया, तो क्या बनेगा अब, ई प्राइमरी हो गया। हाँ अब स्पेल करें इसे, प्रोनाउंस करें, ये बना डाओ क्याओ नीट नीट, क्योंकि आगे बाउल हो गया, लेकिन अगर ये आए खत्म कर देता हूं तो फिर ये ई की सेकेंडरी आवाज बनेगी, आ या एन, आ या ए, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमंट, या डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमंट, दोनों तरह से ठीक। डॉक्यूमेंट कहना गलत है, डॉक्यूमेंट कहना गलत है, डाओ क्याओ मेंट, ठीक हो गया, डाओ क्याओ मेंट। किस स्टूडेंट को प्राइमरी होने की लॉजिक समझ नहीं आई, किस स्टूडेंट को किसी वाउल के प्राइमरी होगा या नहीं होगा, किसको ये लॉजिक समझ नहीं आई है, मैं शहबाज का भी हाथ अभी लोअर कर रहा हूं, ठीक है। और अब मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, किसको ऐसा लगता है कि प्राइमरी कब होगा कब नहीं होगा, किसको इस बात की लॉजिक कंफ्यूजिंग है? एवरीबॉडी क्लियर, सब क्लियर हैं? अब माइक खोल सकते हैं सर, माइक खोल लिया जरूरत पड़ने पर, सब खोल सकते जी। उमर माइक खोल लें, उमर बात करें, बात करें। जी यस 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 यस, बिल्कुल सही। पिछले के साथ इस अगले, इस ई का इस ओ के साथ कोई रिलेशन नहीं, राइट? इसका रिलेशन सिर्फ इसके साथ है, इस यू का इसके साथ है, यानी आपस में उनका रिलेशन है, इस ओ का इस ई के साथ कोई रिलेशन नहीं, राइट? ठीक है, ये यू आ रहा है इसको प्राइमरी करने के लिए, ये यू आ रहा है ओ को प्राइमरी करने के लिए, ये ई आ रहा है इस यू को प्राइमरी करने के लिए, ये ई इस ओ को प्राइमरी करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ई इस ओ को प्राइमरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उसके साथ कोई लिंक नहीं, ठीक है। हुण मैंने दसो कि अंग्रेजी आप साइंस की तरह सीख ली कि नहीं सीख ली, अंग्रेजी साइंस की तरह लॉजिकली समझी जा सकती कि नहीं समझी जा सकती, ठीक है। हाँ तो ये दो चीजें हमने कर ली हैं, आगे एक दो दिन मैंने और आपको फ्री सेशन देने हैं, वो भी लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं थोड़े को पैसे मिल, है ना? सही है, पहले चस्का डालते हैं, पहले चस्का डालते हैं, फिर लोगों को ले आते हैं, चल भी आ जा नशा पे, आ जा नशे पे डालते जी। मैं अमीना आपको बात करना चाह रही हूँ, माइक खोल ली, ठीक है, मेरे ख्याल से सब क्लियर है, कोई सवाल कर तो आप मुझे सवाल कर लें तो क्लास, अच्छा ठीक हो, चलिए आपको लॉजिकली समझ आ गई है, लॉजिकली समझ आ गई है, मैं टोटल आपको जो चीजें सिखाता हूँ वो लॉजिक से समझाता हूँ, मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि रट्टा लगा, रट्टा लगाना टीचर बता रहा है कि उसकी कमजोरी है, टीचर कमजोर है, जो टीचर आपको ये कहता है कि तुम रट्टा लगा लो याद कर लो, वो असल में ये कह रहा है कि वो खुद कमजोर है और आपको तुक्के लगवा रहा है, राइट? जो टीचर जिसको समझ है वो कभी भी रट्टा नहीं लगवाएगा आपको, वो लॉजिकली समझाएगा, और जो चीज एक मरतबा लॉजिकली समझ ली जाती है वो जिंदगी भर कभी नहीं जाती, भूलती नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हर चीज को समझ के पढ़े, रट्टा नहीं लगाया, सब सब लोगों को मेरी बात क्लियर है, जो भी समझना है समझ के करो, रट्टा नहीं लगा, ठीक है, ओके हो गया। ऐसे चलोगे तो तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटेलिजेंट लोग सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उनको टीचर नहीं मिला, सही, जो डल है और जो इंटेलिजेंट है उसमें फर्क ये है कि एक को टीचर मिल गया एक को टीचर नहीं मिला, सही है। जिसको सही टीचर मिल गया समझाने वाला वो इंटेलिजेंट हो गया, जिसको नहीं मिला वो डल हो गया, सही है, ये फर्क, ठीक है, सब सब क्लियर है। किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ लें, फिर हम क्लास, क्लास आज जरा डबल लंबी चली गई, एवरीबॉडी क्लियर ऑन इट, ऑल क्लियर, ठीक,
किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप, राइट? यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद लॉजिक, हर चीज को, ठीक है जी? जी इसका मतलब अगर आपको समझ आ रही तो फिर हम कामयाब हो रहे हैं। आप हैरान हो रहे हैं, आप हैरान हो रहे हैं। इसका मतलब हर बंदा इंटेलिजेंट होता है, सही समत का मिलना जरूरी है। हर बंदा इंटेलिजेंट है, हर बच्चा इंटेलिजेंट है, सही समत का मिलना जरूरी है। समत सही समत, तो जो लोग आपको बड़े कामयाब और इंटेलिजेंट मिलते हैं, फर्क ये पड़ा कि उनको समत मिल गई, बताने वाला नहीं, सही है? ये फर्क। चलिए उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सब लोग सीख रहे हैं। मेरी YouTube पर 1000 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, जो लोग फ्री सीखना चाहें लेकिन सीखेंगे क्योंकि उसमें मैं बता रहा हूँ, और जो लोग शॉर्ट टाइम में सीखना चाहें वो मेरे जो है वो लाइव क्लास में पढ़ लें, या वीडियो कोर्सेज मेरे वेबसाइट पर मौजूद है, वेबसाइट पर आके वीडियो कोर्सेज कर लें, ठीक है? समझ आ रही है? मेरे वीडियो कोर्सेज भी हैं, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनको इसी तरह लॉजिकली मैंने वेबसाइट पर भी बताया है, ठीक है? और वीडियो कोर्स की शक्ल में भी, और जो है वो लाइव क्लासेस की शक्ल में भी, ये मेरे कोर्सेज वेबसाइट पर मौजूद हैं। जो दोस्त सीखना चाहें वो वेबसाइट पर आके ये फर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले लेंगे, और इससे यही सारी चीजें मैंने इसी लॉजिक से समझा, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर ऑन इट? ठीक है, सब क्लियर है? चलिए ठीक है, चलें दोबारा मुलाकात होती है फिर कल आपसे, ठीक है? और जो फ्री वाले उनके 2-3 सेशन अवेलेबल हैं, आप ये ले सकते हैं, फिर आपको हमने क्लास में घुसने नहीं देना, सही है? ठीक है ना, सब इस बात पर राजी है ना? चलें चलें दोबारा कल। जी एक बैच के लिए वैसे आ सकते हैं, मुनज़ा पहले बैच से भी पहली है, मुनज़ा ने डेडिकेटेड लिया था सेशन, ठीक है? ये 10वां सेशन चल रहा है, मुनज़ा पहले सेशन की थी, वो बैठी है क्लास में। वैसे क्लास एक ही सेशन की होती है, फीस एक ही सेशन की होती है, लेकिन आप अलाउड है कि आप आना चाहें अगले सेशन में। देखिए सीखना लाइफ टाइम का अमल है, सीखना एक दिन का काम नहीं है। आपको हर अगले दिन, अगला दिन आया उसके लिए आपको नया सीखना जरूरी है, तभी आप सरवाइव करेंगे, तभी आप माशरे का मुकाबला कर सकेंगे, हालात का मुकाबला कर सकेंगे। सीखना सिर्फ ये नहीं, अंग्रेजी, हर चीज आपको हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, और जहां आपसे बेहतर मिले हमेशा बी अ गुड फॉलोअर। अंग्रेजी के लिए नहीं कह रहा, जिंदगी के हर वॉक के लिए बी अ वेरी गुड फॉलोअर, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड लर्नर एवरी मिनट, ठीक है? जहां से मिले सीखने को उससे सीखना चाहिए। जो सीखते रहते हैं वो बुलंद होते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, एलिवेट होते रहते हैं, ठीक है? जो सीखते रहते हैं वो एलिवेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बुलंद होते रहते हैं। जो सीखना बंद कर देते हैं वो एस्केलेट होते रहते हैं, जहां खड़े हैं वहां से नीचे आना शुरू, ठीक है? ये डिसिप्लिन है जिंदगी का। तो शकील, फीस एक ही सेशन के लिए होती है, फुल सेशन अगर आप लेना चाहते हो एक ही लिए होती है, लेकिन अगर आप एक मरतबा हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और आपकी हमारी रजिस्टर पर नंबर आपका है, तो आपका कोई और अगला सेशन हो रहा है तो यू कैन एंटर। हम आपको उसमें मुनज़ा कोई सीट जैसे लिया है, ठीक है? आप किसी भी साइड, पुराने कोई भी स्टूडेंट है वो मेरी मौजूदा किसी भी क्लास में आ सकते हैं, ठीक? तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं लाइफ टाइम। नहीं, जो रजिस्टर्ड है वो पेड वालों में आ सकती है, वो आ सकती। मुनज़ा इस क्लास के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? मुनज़ा इस क्लास के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो पूरी क्लास ले रही है, सिर्फ डेमो नहीं, अगली क्लासों में भी शामिल हो सकती है, होती है वो। ये बैच आप तीसरे में भी आई थी, पांचवें में भी आई, तीसरे में चौथे में भी आई थी मेरे ख्याल आप मुनज़ा।
मैं खुद एक तालिब इल्म हूं, मैं खुद एक तालिब इल्म, आप इस जगह इस मौके पर बैठा मैं उस्ताद हूं, लेकिन ये जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो मेरा मोड चेंज हो जाएगा स्टूडेंट की तरफ। आपकी क्लास खत्म होगी, मेरा मोड जो है वो स्टूडेंट मोड में चला जाऊंगा मैं। आई विल स्टे स्टूडेंट एज मच टाइम एज आई कैन, जहां से जैसे जिससे, जहां से जैसे जिससे जिस कीमत पर इल्म मिलेगा मैं लूंगा, मैं तालिब इल्म रहता हूँ। ठीक है, तो अपने से बेहतर के साथ जुड़ा रहना आपकी खैर के लिए, आपकी खैर है इस बात में कि आप अपने से बेहतर के साथ जुड़े। ठीक है, ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ अपनी जिंदगी, जाती जिंदगी में भी जो मुझसे बेहतर है वो मैं उसके साथ जुड़ा रहता हूँ, उसको फॉलो करता रहता हूँ, उसे सीखता रहता हूँ। ठीक है, चले अल्लाह खैर करे आप सब लोगों के लिए, आप लोग सीखते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, मैं आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहता हूँ, यहाँ क्लासों में भी अवेलेबल हूँ, और इसके अलावा भी आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो व्हाट्सएप पर आप मुझे कनेक्ट करते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट की आपकी हेल्प। ठीक है, और पूरी कमिटमेंट के साथ सीखे, ऐसा ना कि 10 दिन सीख लिया, 20 दिन सीख लिया और आपका बस, सीखते रहना ही कामयाब, सीखते रहना कामयाब, सीख लिया कामयाबी नहीं है, सीखते रहना कामयाब, जो सीख लिया उसे अपग्रेड करना कामयाबी है, सीख लिया पर रुक जाना कामयाबी नहीं है। सही है, ये लाइफ टाइम जर्नी, जैसे रोटी रोजाना खाते हैं उसी तरह सीखना भी रोजाना है। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, अकमल से सीखना जरूरी है ये फिक्र दुरुस्त नहीं है, सीखना जरूरी है ये फिक्र दुरुस्त। ठीक है, वो कोई भी हो सिखाना, सीखते रहे आगे बढ़ते रहे बेहतर होते रहे कामयाब होते रहे, सीखने वालों की पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी कल आप लोगों से, इधर जो जूम पर थे आप लोगों की, इधर से मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, और जो जो यूट्यूब पर ये इधर उधर देख रहे थे, बल्कि वहां से बंद हुई थी, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा दोबारा, तो आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट होता हूँ, आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी, जिसको सवाल करने भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तंजील आप भी व्हाट्सएप पर आ जाए तो बाकी बात कर सकते। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय, ओके जी। तो आप जो है, आप दोस्त जो है जो वीडियो में देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, आपके साथ मैं कनेक्ट हूँ, आपके साथ मेरे नंबर स्क्रीन पर आपके लिए अवेलेबल है, आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच वट एवर आई कैन, जो मुझे मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकले कुल हूँ, दुनिया जहान की अंग्रेजी का या सलाहियतों का नॉलेज सिर्फ मेरे पास है, बहुत से कमाल लोग मुझे रोजाना सिखाने को मिलते हैं। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जब क्लास मैं दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त मैं टीचर मोड में हूँ, लेकिन बाकी दौरान में, बल्कि उस वक्त भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ, लेकिन उस वक्त एक वक्ती तौर पर टेम्परेरी तौर पर मेरे साथ एक कैरेक्टर लग जाता है टीचिंग मोड का, लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म होता है और आपके साथ भी ये बात भी वीडियो खत्म होगी तो आई विल शिफ्ट माय सेल्फ इनटू लर्निंग मोड या स्टूडेंट मोड, और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। यही हकीकत है जिंदगी की कि आप हर रोज सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप हर रोज सीखेंगे तो कोई बेहतर बन पाएंगे, कुछ बेहतर बन पाएंगे। अगर आप हर रोज नहीं सीखते तो कल तक जो आपने सीखा था वो सूटेबल था, इल्म जो पिछला था वो रेलेवेंट हो जाता है, जरूरी है कि अपग्रेड किया जाए, जरूरी है कि उससे आगे सीखा जाए। अकमल से सीखना ये हकीकत नहीं है, सीखना ये हकीकत है, सीखते रहना ये हकीकत है, अकमल से सीखते रहना ये हकीकत नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं आपको आपके मौजूदा लेवल से बेहतर कर सकता हूँ, आपको लगता है कि मैं जो आप जानते हैं उससे बेहतर जानता हूँ, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड लर्न फ्रॉम मी, और अगर आपको लगता है कि जो मैं जानता था आपने वो सीख लिया तो आप मुझसे बेहतर जरूर कोई डीडी ढूंढिए और सीखना जारी रखिए। आप सीखते रहेंगे तो आप बेहतर और बाकमाल होते रहेंगे, आप एलिवेट होते रहेंगे, बुलंद होते रहेंगे, मोतबर होते रहेंगे, अलग होते रहेंगे, स्ट्रॉन्गर होते रहेंगे, समझदार होते रहेंगे, वाइज होते रहेंगे, काबिल होते रहेंगे, ठीक है, ईजी होते रहेंगे। और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ये सब जो चीज़ें बातें की हैं ये सब झूठ है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेहतर होते रहिए, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ क्लासों की सूरत में भी, और मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर, इसके अलावा क्लास के अलावा टाइम। तो किसी को कोई
बात ना समझ आए, कोई पूछना चाहे, कोई डिस्कस करना चाहे, मशवरा लेना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई मेक श्योर कि आई विल हेल्प यू। दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।